पता चला मुकद्दर कौन है? हाँ बॉस। तो उसको भी वही सजा दो मुकद्दरों को मिलनी चाहिए। माउंट, आप चिंता मत कीजिए बॉस, उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। लेकिन ख्याल रहे, जब तक कि हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसकी मौत की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, काम पूरा होते ही तुम हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले जाना और अंडरग्राउंड हो जाना। जैसे ही यहाँ का मामला ठंडा होगा मैं खुद तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगा। त्योहारों का त्योहार, दिवाली का त्योहार। लेकिन इस बार की दिवाली काली होगी, एकदम काली। किधर गया वो? अभी तो यही था, अगर वहां से निकल गया ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। कल से ट्राई कर रही हूं मैं, 12 घंटे तक कोई आउट ऑफ नेटवर्क कैसे हो सकता है? फिर से ट्राई करती हूँ। गॉड, तो मुझे टेंशन हो रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हम सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। मम्मी मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। तुमने आधे घंटे पहले भी 10 मिनट कहा था। अच्छा मम्मी, मैंने कहा ना मैं पक्का 10 मिनट में आ जाऊंगी, प्रॉमिस। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बच्चे चलो नीचे। वाह, अरे अनन्या, कहाँ थी इतनी देर से? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ। देखो रंगोली अकेले बनानी पड़ी मुझे। सॉरी यार, वो ना मैं थोड़ा बिजी थी। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कैसी बनी है? बहुत सुंदर बनी है। सच? बहुत प्यारी बनी है। अरे अनन्या, कहाँ रह गई थी? कोई फुलझड़ नहीं चलती मुझसे, कहाँ रह गई थी? पापा वो मैं अंदर। छोड़ो, देखो चाचू और भैया तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं, चलो पटाखे चलाते हैं। ये फुलझड़ी मुझसे नहीं चल रही है, प्लीज जला के देना मेरे को। मेहमानों को आओ बेटा। फूल बहुत सुंदर। अरे आप कब आई? एक सेकंड में आई। हाँ ए अनन्या, आखिर तुम आई गई। हाँ वैसे तुम इस ब्लू सूट में तो बहुत अच्छी लग रही हो, है ना भैया? ये जल्दी नहीं है, पटाखे चला। डैड डैड, मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो आपको हो रही है। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम क्या है? कम ऑन यार। डैड डैड, मैं अपना फेवरेट वाला ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गई? कहाँ गई? ये रही। हाँ डैड, अनार आ जाओ भैया, जला। हाँ हाँ जाओ, अनार आ जा भैया, आ जा। आ रहा हूँ। माचिस, ये रही माचिस, आ जा। क्या हुआ अनन्या, व्हाई यू सो टेंस? एनी प्रॉब्लम? नहीं नथिंग, आप जाइए ना, मैं आती हूँ। ओके ओके। अरे मेरे लिए रुको प्लीज। अनन्या इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बात है अनन्या, जब से आई हो परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? रिचा वो ना, अनन्या आओ ना, पटाखे जलाते हैं। अनन्या प्लीज जल्दी आओ, मजा करते हैं। हाँ आई। कुछ तो बात है। कर दिया तुमने। थैंक यू सर, मैंने रंगोली बनाना अपनी माँ से सीखा है। फिर तो इसकी एक फोटो ले लेता हूँ। इतनी अच्छी रंगोली तुमने बनाई है,
फोटो तो बनती है। क्या बात है पूर्वी, दियों की चमक से तो तुम्हारा चेहरा बहुत खिल रहा है। दिवाली का त्योहार मुझे बहुत पसंद है, दिए, मिठाई, रंगोली, सब कुछ। मगर मैं अपने परिवार को बहुत मिस कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो पूर्वी, हम लोग है ना, सीआईडी भी तो एक परिवार है ना। हाँ अभिजीत, और इस परिवार में तारिका जी और सालू के भी शामिल है यार। पूरा ब्यूरो रोशनी से जगमगा रहा है। सुपर। जैसे आपके आने से जगमगाहट थोड़ी और बढ़ गई है। यस यस, क्यों नहीं भाई। अरे भाई एक बात बताओ, हमारा अजीज दोस्त किधर है? प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? ओए सारंगे, तूने याद किया और मैं हाजिर हूँ। अरे क्या बात है। चलो तुम सबको इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे यार वो सब ठीक है। पर यार एक बात बताओ, इसमें क्या है? ये सर इनमें मिठाई है। हाँ खास तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आता हूँ यार, बताओ। अरे गुजिया है। अरे यार ये तो मुझे बहुत पसंद है। दया लो भाई। क्या बात है। अबे सारुके दूसरों के लिए भी तो छोड़। सर पटाखे फोड़ते हैं। नहीं मैं पंकज, नो पटाखे। मैं तो कहता हूँ पटाखे जलानी ही नहीं चाहिए। पता है पटाखों की वजह से आवाज का प्रदूषण होता है, हवा में प्रदूषण होता है। अरे दिवाली की खुशियां मनाने के और भी तरीके होते हैं। हाँ और भी तरीके। हेलो जी, हाँ बोल रहा हूँ। आपकी बेटी अनन्या गायब हो गई। भैया जी सीआईडी। सर मेरी बेटी लापता है, कहीं नहीं मिल रही, प्लीज उसे ढूंढ के निकालिए। घबराइए मत, हम लोग मदद करने के लिए आए हैं ना। सर मेरा नाम धनंजय है, मैं अनन्या का पापा हूँ। हर जगह देख लिया अपनी बेटी को, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने अनन्या का फोन भी ट्राई किया, बट उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा। सर उसकी सारी फ्रेंड्स को फोन करके देख लिया, वो किसी के घर नहीं पहुंची है। सर सर कुछ कीजिए प्लीज। एक मिनट जरा शांत हो जाइए और एक एक करके बताइए क्या हुआ और कैसे हुआ, बताओ। हम दिवाली मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे कि अचानक हम सब बेहोश हो गए, और जब होश आया तो भैया उठ जाओ, ये पता नहीं क्या हो गया। प्लीज गेट अप। क्या हुआ ये? पता नहीं भैया, उठ जाओ। उठाओ मेरे को। अरे सर 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 में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सब लोगों को? पता नहीं भैया। वो तो तुम्हारे साथ थी ना। बेहोश होने से पहले आप लोगों ने कुछ खाया पिया था? हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी थी और कुछ स्नैक्स खाए थे। नाश्ता भी किया था और पटाखे भी जलाए थे। एक काम करो, सारी चीजें फोरेंसिक लैब भेज दो, और दरवाजे के बाहर जाकर और देखना कोई गाड़ी की टायर के निशान वगैरह है क्या, क्योंकि अगर अनन्या को किडनैप किया गया है तो गाड़ी से ही लेकर गए होंगे। सर बेहोश तो सभी लोग हुए थे, लेकिन गायब सिर्फ अनन्या हुई, ऐसा क्यों? वही तो, कोई ना कोई तो वजह जरूर है पूर्वी, कोई ना कोई तो वजह जरूर है। देखते हैं। एक बात बताइए, क्या अनन्या का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था?
किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, अनन्या का तो कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसे तो सब बहुत पसंद करते हैं। अच्छा धनंजय जी, आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, तो क्या कोई बिजनेस राइवलरी, मेरा मतलब है कोई कॉम्पिटिटर्स वगैरह जिनके साथ कोई, यू नो? सर भैया कितनी सारी फैक्ट्रीज कंपनीज हैं, कॉम्पिटिटर्स तो मतलब... मेरा कोई दुश्मन नहीं है जी। सर सर सारी चीजें फॉरेंसिक भिजवा दी है सर, और गेट के पास भी जाके देखा, गाड़ी के टायर के कोई भी निशान नहीं है सर। कोई भी निशान नहीं? ठीक है धनंजय जी, देखिए हम आपके घर के सारे टेलीफोन टैप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर अनन्या को किडनैप किया गया है तो किडनैपर जरूर फोन करेगा, हुँ? और इसके लिए इंस्पेक्टर सचिन और पूर्वी दोनों यहां मौजूद रहेंगे। मीनाक्षी जी आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम सही सलामत वापस ले आएंगे, ये मेरा वादा है। सचिन सर, किडनैपर का फोन था? नहीं सर, अब तक कोई फोन नहीं आया। सर 12 घंटे हो गए मेरी बेटी को गायब हुए, मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, प्लीज कुछ करिए प्लीज। मीनाक्षी जी, अनन्या के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला है, लेकिन हम पर विश्वास कीजिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, हुँ? और धनंजय जी एक बात तो पक्की है कि आपने जो पटाखे जलाए थे उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिक्स किया गया था जिसकी वजह से आप सब लोग बेहोश हो गए। मतलब हम सब पटाखे की वजह से बेहोश हो गए थे? सर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है धनंजय जी, कुछ भी हो सकता है। ये बताइए पटाखे लाया कौन? हमारे घर का नौकर रामू, हर साल वही पटाखे खरीद के लाता है। और ये रामू अभी कहाँ है? वो अपने बीवी बच्चों के साथ दिवाली मनाने अपने घर गया है। हमें रामू पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता सर। फिर भी मीनाक्षी जी पूछताछ तो करनी पड़ेगी, है ना? रामू रहता कहाँ है? जी वो वीरपाड़ा खोली नंबर 32। हेलो, हाँ क्या, कहाँ पे? ठीक है हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ सचिन? सर एक आदमी का फोन था, बुद्धुमाला तालाब में उसने एक लाश देखी है। लाश? अनन्या! 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 धनंजय प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अनन्या नहीं, वो अनन्या नहीं है धनंजय। देखिए एक आदमी की लाश मिली हमें, और अब यहाँ क्यों आ गए? अगर किडनैपर्स का फोन घर में आएगा तो आपको वहां रहना बहुत जरूरी है। अब प्लीज जाइए, हम लोग देख रहे हैं, आप जाइए। चलिए प्लीज। पीठ पे गोली मारी है सर। सर अगर किसी ने गोली मारी तो आसपास के लोगों ने कुछ सुना क्यों? हो सकता है गोली कहीं और मारी गई होगी, और बॉडी यहाँ ठिकाने लगा दिया गया। कंट्रोल रूम। पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है, पहचानना मुश्किल है। देखो जेब में कुछ मिलता है क्या, आइडेंटिफिकेशन वगैरह? यस सर। मरे हुए 24 घंटे तो हो गए, क्योंकि बॉडी पानी में ऊपर तभी आती है जब लंग्स में से हवा निकल जाती है और लंग्स में पानी आ जाते हैं, और इसमें 24 घंटे तो लगते ही हैं।
सर जेब में तो कुछ नहीं है सर, मगर हाथ में अंगूठी है। सर इसकी तो उंगलियां जली हुई है। चेहरा बिगाड़ दिया गया है और दोनों हाथ जला दिए गए हैं। ये बात तो तय कि कोहली नहीं चाहता था कि कोई इसे पहचान सके। तो फिर सर ये अंगूठी क्यों छोड़ दी? कोहली यही एक गलती कर गया। इस अंगूठे से हम इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगा ही लेंगे। एक काम करो, बस्ती में जाके पूछताछ करो, किसी ने कुछ होते हुए देखा है क्या? क्या सर? सर यहाँ पे अनन्या की नहीं बल्कि एक आदमी की लाश मिली है। नहीं सर पता नहीं चल रहा, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है ताकि कोई पहचान ना सके। ठीक है अभिजीत, ओके। मीनाक्षी जी, वो जो लाश मिली है वो किसी आदमी की है, अनन्या की नहीं। थैंक गॉड। तो अनन्या कहाँ है सर? मेरी बेटी कहाँ है सर? मीनाक्षी जी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम सही सलामत आपके पास वापस ले आएंगे। आइए सर, ये रहा रामू। रामू? जी सर। पटाखे तुम ही लेकर आए थे ना? हर साल मैं ही एक दुकान से पटाखे लेकर आता हूँ और उस दुकान का नाम है आतिश भंडार। सर बहुत बड़ी और पुरानी दुकान है वो। हाँ सर, धनंजय दुकान के ओनर को पहचानते हैं और कई सालों से हम वहीं से पटाखे खरीद रहे हैं। चला हूँ, पटाखे खरीद कर तुम सीधे घर आए या कहीं और भी गए थे? पटाखे खरीदने के बाद मैं मिठाई की दुकान पर गया था, मीनाक्षी मैम साहब ने लड्डू लाने को कहा था। तो जब तुमने मिठाई खरीदी तब उस वक्त वो पटाखों की थैली तुम्हारे हाथ में थी या कहीं रखी थी? नहीं, मेरे हाथ में ही थी साहब। हाँ याद आया, लड्डू खरीद कर जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला था एक आदमी मुझसे टकराया, पटाखे की थैली और लड्डू की थैली दोनों मेरे हाथ से गिर गई। लड्डू की थैली उठाने के लिए गया, वैसे ही उस आदमी ने पटाखे की थैली उठाकर मेरे हाथ में दी और सॉरी बोलकर चला गया। मिठाई की दुकान में रामू के साथ कोई टकराया, थैलियां गिर गई थी। मतलब थैलियों की अदला बदली उसी दौरान हुई है। सर अजीब बात तो यह है कि अनन्या की वापसी के लिए पैसों की मांग करने का कोई फोन तक नहीं आया, इसका मतलब क्या हो सकता है सर? इसका मतलब ये कि है पूर्वी कि अनन्या को किडनैप किया गया है पैसों के लिए नहीं, किसी और वजह से। रामू इधर आओ। मिठाई की दुकान में तुम जिस आदमी से टकराए थे उसकी शक्ल तो देखी होगी ना? हाँ थोड़ा थोड़ा चेहरा याद है सर। थोड़ा थोड़ा तो याद है ना? जी सर। बस जितना भी याद है उतना स्केच बनाओ हमारे लिए उस आदमी का। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? हाँ एक बात तो पक्की, ये आदमी मर चुका था। इस आदमी की मौत तालाब में जाने से पहले हो गई थी, क्योंकि इसकी मौत अगर तालाब में जाने के बाद होती तो इसके पेट में तालाब का पानी होता, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब हमारा शक सही निकला, पहले इसे कहीं और मारा गया और बाद में इसकी लाश वहां तालाब में डाल दी गई। बिल्कुल ऐसा ही। और हाँ, इसके शरीर में से जो गोली निकली वो गोली बड़ी अजीब है। अजीब गोली मतलब? मतलब ये जो घाव है ये किसी पिस्टल या रिवॉल्वर से किया गया, मगर ये जो इसके शरीर में से निकली है ये किसी पिस्टल या रिवॉल्वर की गोली नहीं है, बल्कि ये किसी बड़ी गन से निकली हुई गोली का छर्रा है। कैसी बात कर रहे हो सालूंगे साहब,
बड़ी गन की गोली रिवॉल्वर में डाल के कोई कैसे मार सकता है? अरे यार ऐसा नहीं हुआ अभिजीत, दरअसल ये गोली देसी है, किसी ने हाथ से बनाई है। मतलब कोई प्रोफेशनल किलर है? इसका मतलब किसी ने इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मगर क्यों सर? सर शायद ये कोई गहरा राज जानता होगा। हो सकता है किसी न किसी से कोई दुश्मनी तो होगी इसकी। और साहब ये अंगूठी से कुछ पता चला? नहीं अभिजीत, इस अंगूठी पर तो कहीं किसी किस्म का कोई मार्क या कोई निशान नहीं। अरे तो फिर इस आदमी के बारे में कैसे पता चलेगा? इस आदमी की लंबाई 5'8" है और इसकी उम्र 20 से 25 साल, पता लगा लो। मैंने पता कर लिया सर। थैंक यू पंकज। सर इसकी मिसिंग रिपोर्ट कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं है सर। कमाल है पंकज, इस बार तो बिना बोले ही तुमने ये काम कर दिया है। सर वो क्या नाम है, आजकल मैं थोड़ी ज्यादा डांट खा रहा हूं ना सर, इसलिए सोचा कि थोड़ी तारीफ सुन लूं। पर हाँ अभिजीत एक और बात, इस आदमी के हाथ के नाखूनों में हमें खास किस्म का केमिकल मिला। तारी का टेस्ट कर रही है। You mean, तारिका जी? हाँ यार, आई मीन तारिका जी, अभी पता लग जाए। पता चल गया सर, इस केमिकल का नाम है कार्बोफिल। कार्बोफिलो? हाँ, और इस केमिकल का इस्तेमाल कई अलग अलग चीजों में किया जाता है, जैसे कि खाने में, खेती में, चट्टाने तोड़ने में, और हाँ पटाखों में भी। पटाखों में भी? सर पटाखों की वजह से ही तो अनन्या की फैमिली बेहोश हुई थी। सर इस आदमी की मौत का और अनन्या की किडनैपिंग का जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। ठीक है रफेडी, हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं जहां पे ये कार्बोफिलो नाम का केमिकल बनाया जाता है। तो दो फैक्ट्रीज तो चेक कर ली, ये चेंबूर वाली फैक्ट्री बाकी रह गई। सचिन जो कुछ भी मिलने वाला है ना लगता है इस तीसरे फैक्ट्री में ही मिलेगा। और पूर्वी और उस आदमी के बारे में क्या पता चला जो रामू के साथ टकराया था और उस टकराने में उसने वो जहरीले पटाखे रामू के थैले में डाल दिए? सर रामू इस वक्त ब्यूरो में है और उस आदमी का स्केच बनवा रहा है। गुड सचिन, और कितनी दूर है फैक्ट्री? बस सर थोड़ी दूर सर, बस ये सिग्नल से यू टर्न लेकर सामने ही। ये कैसे हो सकता है? हो सकता ही नहीं सचिन, हुआ है। सर धनंजय की फोटो, मतलब इस फैक्ट्री का मालिक धनंजय है। सुनो जी साहब, देखो हम लोग सीआईडी से, हम धनंजय जी से मिलना चाहते हैं। साहब वो तो आज फैक्ट्री में आए नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? एक शिफ्ट में करीब 30-35 लोग काम करते हैं। और वो सारे के सारे आज आए हैं यहाँ पे? हाँ साहब, सब के सब हैं यहाँ पे, बस 2-3 लोग चाय पानी पीने गए होंगे बाहर। अच्छा यहाँ पर ये जो तुम लोग बारूद बनाते हो किसे सप्लाई करते हो तुम लोग, कुछ पता है तुम? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन सागर साहब को पता होगा, वो यहाँ के मैनेजर हैं। अरे सागर साहब तो आज आए नहीं, वो छुट्टी पर हैं। सागर साहब छुट्टी पर हैं? वो आज नहीं आए या पिछले 2 दिन से नहीं आ रहे? आप बराबर बोले साहब, सागर जी 2-3 दिन से फैक्ट्री में नहीं आ रहे। इस अंगूठी को देखो, देखो ठीक से है? क्या आप में से किसी ने यह अंगूठी देखी है? कोई जानता है इसके बारे में? हाँ साहब, ये अंगूठी तो सागर जी की है। कहाँ है वो? ठीक तो है ना साहब? सागर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या 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 हुआ उनको? देखिए किसी ने उनका खून कर दिया।
अच्छा एक बात बताओ, सागर साहब को कोई प्रॉब्लम थी यहाँ पर? नहीं साहब, वो तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। फिर भी किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था उनका, या फिर कोई टेंशन थी? हाँ साहब, कुछ दिनों से वो काफी टेंशन में थे, काफी परेशान थे। टेंशन? कैसा टेंशन? कुछ बताया आप लोगों? सर बताया तो कुछ नहीं साहब, पूरे दिन सर कैबिन में बैठे रहते थे, और साहब वो हम लोग का काम भी देखने बाहर नहीं आया करते थे। सागर साहब का कैबिन कहाँ है? कैबिन का एक एक कोना छान मारो, एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, लग जाओ काम पे। कंप्यूटर पे तो कोई खास जानकारी नहीं मिल रही सर। क्या हुआ सर? ये देखो क्या मिला है। मेरे पापा हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं दूर जाकर हम शादी करेंगे और अपनी दुनिया बसाएंगे। सागर? सर मतलब सागर का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? हाँ सर। कौन है वो लड़की? अनन्या, धनंजय जी की बेटी। अनन्या? हाँ, धनंजय की बेटी अनन्या। सर मतलब अनन्या का लापता होना और सागर का खून होना, इन दोनों गुनाहों के पीछे धनंजय जी का हाथ है? कोई बाप अपनी बेटी को किडनैप कैसे कर सकता है? ये तो धनंजय ही बताएगा। अंकल, आंटी, कुछ कुछ पता चला अनन्या का? नहीं बेटा। एसीपी साहब, एसीपी साहब, कुछ पता चला कि मेरी बेटी कहाँ है? इस सवाल का जवाब आप क्यों नहीं देते धनंजय जी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका राज हमें पता चल गया है, समझे? कैसा राज? सागर आपकी बेटी को चाहता था, और वो दोनों आगे चलकर शादी भी करने वाले थे, मगर आपको ये पसंद नहीं था, इसलिए आपने सागर का खून कर दिया और बेटी को अगवा कर दिया, ताकि किसी को पता न चले, है ना? मैंने सागर की हत्या नहीं की, और मैं अपनी ही बेटी को क्यों अगवा करूंगा? ये सच कह रहे हैं, धनंजय ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो? नहीं तो मैं तो ठीक हूं बिल्कुल। देखो रिचा, घबराओ मत, जो भी कुछ है हमें बताओ। हाँ, ये अनन्या की जिंदगी का सवाल है, बोलो। दरअसल अनन्या और सागर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धनंजय अंकल को ये रिश्ता पसंद नहीं था। एक बार जब मैं अनन्या से मिलने आई, तो मैंने देखा कि अंकल बहुत नाराज हो रहे थे अनन्या। क्या यही दिन देखने के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, लाड प्यार दिया, ताकि तुम हमारी फैक्ट्री के मामूली मैनेजर के साथ इश्क लड़ाओ? सागर बहुत अच्छा लड़का है, और वो मुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ, खुश रखेगा। जितनी उसकी महीने भर की तनख्वाह होता है, हफ्ते भर का मेकअप का सामान आता है, खुश रखेगा। माय फुट, मैं एडजस्ट कर लूँ। कहाँ एडजस्ट करेगी? मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बता देता हूँ, आज के बाद अगर तुमने सागर का नाम लिया तो मैं आपने तो कहा था कि आप सागर का खून कर देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ कहा होगा, हो सकता है गुस्से में कहा हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसका खून कर दिया। क्यों विश्वास करें आप पर धनंजय? बताइए, सागर का खून और अनन्या का किडनैपिंग, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो आप है आप। नहीं सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, भैया किसी का खून नहीं कर सकते, वो खूनी नहीं है। वैसे भी हम सब इस रिश्ते से खुश नहीं थे। धनंजय निर्दोष है, मैं मानती हूँ कि धनंजय सागर और अनन्या की शादी से खुश नहीं थे, लेकिन कल ही इन्होंने मुझसे कहा था
कि वो उन दोनों की शादी करवा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते थे। ये बात उन्होंने खुद मुझसे कही थी। सुनिए, मुझे अनन्या की बहुत चिंता हो रही है। उसने दो दिन से कुछ खाया नहीं है, बस अपने कमरे में बंद है, किसी से बात भी नहीं कर रही है वो। मैंने फैसला कर लिया है। क्या क्या करने वाले हैं आप मेरी बेटी के साथ? अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आप मीनाक्षी बाप हूं मैं उसका, मेरी आंखों का तारा है वो। उसे दुखी देखकर मैं खुश होने वाला नहीं हूं। अगर उसने फैसला कर लिया है कि वो सागर के साथ अपनी जिंदगी काट सकती है तो मैं तैयार हूं। मैं कन्या दान करने को तैयार हूं। देखिए एसीपी साहब, अनन्या मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। इस आदमी को देखिए, क्या आप में से किसी ने इसे देखा है? हाँ, मैंने देखा है। मैंने इस आदमी को अपनी फैक्ट्री में देखा है। आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इसी आदमी को देखा था? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, मैंने इसी आदमी को अपनी फैक्ट्री में देखा था। अच्छा, सागर का खून हुआ। सागर धनंजय के फैक्ट्री में काम करता था, पर अब ये आदमी जिसने इस पूरे परिवार को बेहोश किया वो भी धनंजय के फैक्ट्री में दिखाई पड़ा। सचिन, धनंजय की फैक्ट्री में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। क्या इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, ये आदमी पहले यहाँ काम करता था, लेकिन साहब इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। कौन बता सकता है इसके बारे में? हाँ, वरुण बता सकता है इसके बारे में। वरुण? हाँ साहब। कहाँ है वरुण? अभी तो यही था, कहाँ गया? वरुण, वरुण इधर आओ। शेरी, पकड़ो उसे। आज तक आए दिखाई दिया? सर नहीं, सर पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, तुम इधर देखो, मैं स्टाफ देखता हूँ। आज तक आए, चल। मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ साहब। तो भागे क्यों? वो मैं डर गया था साहब। अगर बेकसूर है तो फिर डर क्यों गया? बोल, सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। दो तीन साल पहले मैं छोटी मोटी चोरियाँ किया करता था, दो तीन बार जेल भी गया, लेकिन अब मैं ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता हूँ साहब, कुछ गलत काम नहीं करना चाहता। किससे जानते हो? ये बॉबी है साहब, हमारे साथ इसी फैक्ट्री में काम करता था। सब कुछ बताओ साहब। ये बॉबी है, हमारे साथ काम करता था साहब, लेकिन सागर साहब के साथ इसकी बिल्कुल नहीं जमती थी। ये बहुत काम चोरी करता था साहब। सागर साहब ने बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं था साहब। ये बॉबी आज काम पे नहीं आया? नहीं साहब, दो हफ्ते पहले इसने नौकरी छोड़ दी साहब। तुम्हें पता है कि वो रहता कहाँ है? नहीं साहब, कुछ नहीं मालूम साहब। और ये कोई दूसरा धंधा करता था। कोई और धंधा? हाँ, ये अचानक मशीन पर काम करते करते छोड़कर चला जाता था। मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो ये मुझे डांट कर चुप कर दिया करता था साहब। सचिन, गेट पर जाके पूछताछ करो, देखो कहाँ जाता था ये बॉबी। सर, सिक्योरिटी वाले का कहना है कि बॉबी ड्यूटी के समय गेट से बाहर गया ही नहीं। बॉबी कभी गेट से बाहर गया नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। वो गेट के बाहर जाता था, काम छोड़ के जाता था। अच्छा सचिन, इस फैक्ट्री का पिछले तीन दिन का सीसीटीवी फुटेज ले लो। सर, बॉबी जिस डिपार्टमेंट में काम करता था वहां के चार सीसीटीवी कैमरास का फुटेज मिल गया। चलो देखते हैं।
सर बॉबी हर दोपहर ठीक 2 बजे लंच टाइम के बाद इस दरवाजे से बाहर जाता है। ये देखिए सर, दूसरे दिन भी ठीक 2 बजे वो इसी दरवाजे से बाहर आए। तो कॉरिडोर का फुटेज दिखा। यस सर। सर ये बॉबी ना तो किसी से मिला और ना ही किसी से इसने बातचीत की और फिर 15 मिनट बाद वापस अपनी जगह पे आ गया। लेकिन ये जा कहाँ रहा होगा? सर बाथरूम जाता होगा। पंकज बाथरूम कैसे जाएगा? वो बाथरूम उस तरफ है। तीसरे दिन का फुटेज दिखा। ये देखो बिल्कुल 2 बजे ही ये बाहर जा रहा है। जाता कहाँ है? कहाँ जाता है ये? एक मिनट रोकना, रोकना। रिवाइंड करो। हाँ चलो। सर ये देखिए, ये आदमी जब बॉबी के पास से गुजरा तो उसने बॉबी के हाथ में कुछ दिया है। है कौन ये आदमी? सर कैमरे की तरफ उसकी पीठ है इसलिए चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसके हाथ पर जूम करो। सर जब हम धनंजय के घर गए थे तब ये काली घड़ी मैंने धनंजय के छोटे भाई जतिन के हाथ पर देखी थी। जतिन के हाथ पर? जतिन अनन्या के चाचा जी? हाँ सर, जतिन ने बॉबी के हाथ में कुछ थमाया तो इतना तो तय है कि दोनों मिले हुए। सर मतलब जतिन ने अपनी भतीजी अनन्या को किडनैप करवाया? ऐसा कैसे हो सकता है? जब पूरा परिवार पटाखे जलाने के बाद बेहोश हो गया था तब जतिन जी घर में ही थे। हाँ सर, और जब हमने पूछताछ की थी तभी भी जतिन जी वहां थे। इस सारे चक्कर में जतिन तो है ही है लेकिन जतिन के साथ कोई और भी है। उसके साथ ही कोई और है। सर एक तो ये बॉबी है और भी लोग होंगे। सर तब तो हमें जतिन को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए नहीं तो वो। नहीं पूर्वी नहीं। अरे जतिन तो छोटी मछली है, छोटी मछली, तैरने दो उसे। वक्त आने पर ऐसा जाल बिछाएंगे कि पूरा का पूरा झुंड हाथ में आ जाएगा। तो विश्वास ही नहीं उतर। ये जतिन अपनी भतीजी को किडनैप करवा सकता है? हाँ बहुत ही चालाकी से प्लान बनाया अनन्या को किडनैप करने का। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बस्ती में आने का इसका मकसद क्या हो सकता है? हो सकता है किसी से मिलने आया हो। या फिर अनन्या को यहीं कहीं छुपाया होगा उसने।
रुक जा, रुक जा, नहीं तो गोली लग जाएगी, रुक जा, रुक। पैरों का इस्तेमाल बहुत कर लिया है, अब जरा जुबान का इस्तेमाल कर। बता अनन्य का को किडनैप किया तूने? सर अनन्य का सीधा मैंने नहीं किया। झूठ मत बोल समझे? सर मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, अनन्य मेरी भतीजी थी, मेरी प्यारी भतीजी थी। ये मगरमच्छ के आंसुओं से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, समझे तुम? झूठ मत बोलो, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है फैक्ट्री की और हम जानते हैं कि तुम बॉबी के साथ मिले हुए हो। बॉबी को चिट्ठी में क्या लिख के दिया था तूने? अनन्या को किडनैप कर ले हैं? सर ऐसा कुछ नहीं लिखा था। देख तू मरेगा, जाएगा तू। नहीं सर नहीं, मैं सच बताता, प्लीज गोली मत चलाना। हाँ बता बता। दरअसल धनंजय मेरे बड़े भैया, उस पर मैं बहुत गुस्सा था। फैक्ट्री की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अथॉरिटी उनके हाथों में थी, जबकि पूरी मेहनत मैं भी करता था, लेकिन मैंने इतने सालों में कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब मुझे पता चला कि गौरव के हाथों पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा रही है, तो मुझसे ये अपमान सहन नहीं हुआ। एक हफ्ते पहले बॉबी मेरे पास आया था, उसने कहा था कि वो SBN केमिकल्स के लिए काम करता। उसने कहा था अगर मैंने SBN केमिकल्स की मदद की तो वो मुझे SBN केमिकल्स का बॉस बना देगा, CEO बना देगा। कैसे कैसी मदद? उसने कहा था कि मैं बॉबी को अपने फैक्ट्री में जॉब लगवा दूं, ताकि वो पूरी टेंडर की डिटेल्स, केमिकल्स के फार्मूला अपने SBN केमिकल्स को फॉरवर्ड कर दे। और वैसे भी हमारी दुश्मनी थी SBN केमिकल्स के साथ। बॉबी को जो चिट्ठी दी थी उसमें क्या लिखा था? उसमें केमिकल्स के फार्मूला थे सर। अरे वाह, घर का भेदी लंका ढाए। उस फ्लैट में क्या करने गए थे तुम? सर जब मुझे पता चला कि अनन्या का किडनैप हुआ तो मैं बहुत चिंतित हो गया था सर, मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन मेरा पूरा शक बॉबी पे था, इसके लिए मैं बॉबी से मिलने उस फ्लैट में गया था। मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, मुझे बहुत पछतावा है। लेकिन अनन्या मेरी बेटी जैसी है सर, प्लीज उसे बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर, प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज। एक बात तो तय है, बॉबी SBN केमिकल्स में काम वाम नहीं करता होगा, उसे ये सब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, समझे? हाँ सर, बॉबी किसी गैंग का मेंबर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.